बैंक खाता फ्रीज मामले पर दुमका में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। दोनों दलों ने अलग अलग प्रेस वार्ता कर एक दूसरे पर हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर लुईस मराठी ने कहा कि बैंक खाता फ्रीज होने पर कांग्रेस कहती है कि बीजेपी ने बंद करा दिया है। हकीकत यह है कि आयकर विभाग ने डिफॉल्टर होने के कारण बकाया टैक्स राशि पर रोक लगाई है, न कि बैंक खाते को फ्रीज किया है। कांग्रेस ने आयकर मामले में हर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हर जगह मुंह की खानी पड़ी। उधर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता श्यामल किशोर सिंह ने कहा कि बीजेपी विरोधी दलों को पूरी तरह से पंगु बनाना चाहती है, ताकि कोई भी उसके सामने डटकर मुकाबला ना कर सके। इसलिए उसने एक पुराने मामले में कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करा दिया। बैंक के द्वारा इस चुनावी बॉन्ड में 16,518 करोड़ रुपए कुल है, जिसमें कांग्रेस को 8,252,1,950 करोड़ रुपए मिले हैं और उसको भी फ्रीज कर दिया। अकाउंट फ्रीज हुआ है और उस बातों को जनता के बीच में, मीडिया के बीच में किस तरह से वो ले जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का अकाउंट भाजपा ने या बंद करा दिया है, फ्रीज करा दिया है, केंद्र सरकार ने फ्रीज करा दिया है। तो यह एक तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई है, लोकतंत्र की हत्या के बराबर है, इससे उन्होंने तुलना किया है। लेकिन अगर हम लोग ध्यान देंगे कि पिछले उनके शासनकाल में घोटाला का किस तरह से सिलसिला था, कि उसका जो अगर हम उनका सूची आप शुरू से देखेंगे तो उसका अंत नहीं हो रहा था, तो उनका जो चेहरा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।